नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नॉलेज टॉक पीके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण हमारी आज की एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है और सभी स्कूल ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन एग्जाम्स देने में और ऑनलाइन पेपर्स रेडी करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सामने। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन पेपर्स कैसे बना सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम ऑनलाइन पेपर्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ब्राउजर ओपन करेंगे और इसमें टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स और एंटर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है गो टू गूगल फॉर्म्स और इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के डिस्प्ले पे शो होगा। आपके डिस्प्ले पर यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे टेम्पलेट्स गैलरी हैं जिसको आप देख सकते हैं। आप जिस भी तरीके से चाहें, आपको जो अच्छा लगे उसमें आप अपने फॉर्म्स बना सकते हैं, बट मैं ब्लैंक को यूज करूंगा। यहाँ देख सकते हैं अनटाइटल्ड फॉर्म। आपको ध्यान रखना है कि हम इसे दो पार्ट में बनाने वाले हैं, तो अनटाइटल्ड फॉर्म में मैं जिस सब्जेक्ट का पेपर ले रहा हूँ उसका नाम लिखूंगा साइंस, एंड डिस्क्रिप्शंस में मैं स्कूल नेम ऐड कर देता हूं। आप जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें आप दे सकते हैं। अब मैं जो अनटाइटल क्वेश्चंस हैं इसमें कोशिश करूंगा बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने की। मैं यहां पे टाइप करता हूं नेम। यहां देखिए बाय डिफॉल्ट इसको गूगल फॉर्म ने शॉर्ट आंसर टाइप में लाया क्योंकि उसको पता है कि हमें क्या करना है, केवल बच्चों का नेम लेना है। मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इस ऐड क्वेश्चंस पे ऐड करेंगे, सॉरी ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे। देन हम यहां पे क्वेश्चंस लिखेंगे एंड इसको भी मैं रिक्वायर्ड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डालने वाला हूं रोल नंबर। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये शॉर्ट आंसर हो गया और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं नंबर, यानी कि इसको नंबर फॉर्म में आपको लिखना है, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड किया। देन नेक्स्ट मैं डालने वाला हूं क्लास, इन क्लास को मैं रखने वाला हूं शॉर्ट आंसर और इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। देन मैं यहां पे फिल करने वाला हूं सेक्शन और सेक्शन को मैं रखने वाला हूं चेकबॉक्स में। मैं यहां पे ऑप्शन देने वाला हूं सेक्शन ए बी एंड सी, इसको भी हमने रिक्वायर्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डालने वाला हूं मोबाइल नंबर, ये भी शॉर्ट आंसर हो गया और ये भी नंबर फॉर्म्स में और इसको मैंने कर दिया रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट है, यानी कि आप इसी क्वेश्चंस को कॉपी कर सकते हैं एंड ये डिलीट का ऑप्शन है। अब मैं ऐड सेक्शन करने वाला हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम दो सेक्शन में इसको बनाने वाले हैं। इस सेक्शन में मैं अनटाइटल सेक्शन में डालने वाला हूँ क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। अब यहां से हम इसमें क्वेश्चन ऐड करेंगे। मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐड करके दिखाने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं टाइप कर रहा हूं को भी मैंने रिक्वायर्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड करने वाला हूं
और इनको मैंने कर लिया है रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐड क्वेश्चंस, इंपोर्ट क्वेश्चंस, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस, ऐड इमेज, ऐड वीडियो एंड सेक्शन। आप चाहे तो इमेज और वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। आप जो ऑप्शंस है यहाँ पे भी इमेज ऐड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आती है वो ये कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम थीम और कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ जैसा आप चाहें। बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये दिखे। आप चाहें तो इसमें इमेज भी फीड कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया। ये हेडर पे ये इमेज आ जाएगी। आप चाहे तो अपने स्कूल की लोगो या स्कूल की पिक्चर्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें ये भी हम ये करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस के आंसर को फिल कर देंगे ताकि बच्चों को साथ ही साथ पता चल जाए सेटिंग में। एंड देन जाएंगे क्विज पे। क्विज पे जाने पे मेक दिस अ क्विज करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर एंड पॉइंट वैल्यूज दिया हुआ है, पर इसको हम करेंगे सेव। अब सेव करने के बाद फिर से आएंगे हम नीचे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, जब क्वेश्चंस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आंसर की आ गया। आप आंसर की पे क्लिक करोगे और आंसर की पे क्लिक करने के बाद जो भी इसका राइट आंसर होगा उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इसका राइट आंसर है टंगस्टन, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और डन। सेम ऐसे ही नेक्स्ट पे मैंने किया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने आंसर की पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कर दिया मैंने एंट्री और डन कर दिया। अब इस तरीके से ये आपका जो एक क्वेश्चन पेपर है ये रेडी हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट जो वर्क करना है वो ये करना है कि आप इसको सेंड कर सकते हैं अपने बच्चों के पास। तो यहाँ सेंड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चाहे तो ईमेल के द्वारा सेंड कर सकते हैं या चाहे तो आप इसके लिंक को कॉपी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस लिंक को छोटा भी कर सकते हैं, तो शॉर्ट एंड URL पे करेंगे। देखिए ये लिंक छोटा हो गया, आप इसको कॉपी कर लें कंट्रोल सी, और या यहाँ पे भी कॉपी का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करें। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आप इसको बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप भेज सकते हैं। मैं आपको रिस्पॉन्स करके भी दिखाता हूँ। ये हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हाँ एक चीज और है, आप ये भी देख सकते हैं कि आपने फॉर्म किस तरीके से बनाया। तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये फॉर्म हमारी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ से इस सेंड के ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इस URL को, और कॉपी करने के बाद मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ ताकि आप रिस्पॉन्स भी देख सकें। और मैंने इसको एंटर किया। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पे नेम है, आपको फिल करना है। मैं अपना नेम डाल देता हूँ, फादर्स नेम। रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड मोबाइल नंबर, और इसको मैं करूंगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, मैंने क्लिक किया टंगस्टन। एंड नेक्स्ट है कि द ट्री सैंड्स डाउन, और इसका मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैंने सबमिट कर दिया। जब मैंने इसको सबमिट किया तो यहाँ पे बच्चे चाहे तो अपना स्कोर भी देख सकते हैं। व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे और उन्हें अपना स्कोर भी यहाँ पे दिख जाएगा कि उनके दोनों ही आंसर सही हैं। साथ ही साथ जब बच्चों ने रिस्पॉन्स किया तो आपने जो फॉर्म बनाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स में वन रिस्पॉन्स आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम आ रहा है, फादर्स नेम वगैरह जो कुछ भी आपने फिल कराया वो सारा ही यहाँ पे आ रहा है। और साथ ही साथ जो आपने आंसर दिया था उस पर बच्चों ने टिक किया है तो यहाँ पे करेक्ट रिस्पॉन्स भी लिखा हुआ आ रहा है।
तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के जो पेपर्स हैं वो कंडक्ट करा सकते हैं। धन्यवाद।